नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। कजाकिस्तान में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री करेंगे प्रतिनिधित्व। दिल्ली जनसंकट मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। कर्नाटक सरकार ने सूरज रवन्ना मामले की जांच CID को सौंपी। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना और उनके बेटे HD रेवन्ना के बाद सूरज रेवन्ना पर भी यौन शोषण के आरोप लगे। हसन जिले के होल नरसिंहपुरा पुलिस स्टेशन में सूरज के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर में लिखा है कि सूरज रेवन्ना उसे 16 जून को अपने फार्म हाउस पर बुलाया था, जहां उसने जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए। सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार करने के बाद कर्नाटक पुलिस ने केस CID को ट्रांसफर कर दिया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बसपा की नई रणनीति, विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। बर्गर किंग हत्याकांड में फरार लेडी डॉन अनु का CCTV फुटेज आया सामने, कटरा रेलवे स्टेशन पर दिखी। लखनऊ पुलिस ने मुझे परिवार के सामने अपमानित किया है, BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का दावा। वजरंग पूनिया को नाडा ने फिर से किया सस्पेंड, नोटिस देकर 11 जुलाई तक मांगा जवाब। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने पहलवान बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया और साथ ही नोटिस भी भेजा है। बजरंग पूनिया ने मार्च में सोनीपत में हुए नेशनल ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद नाडा ने यह एक्शन लिया था। नोटिस के खिलाफ जवाब देने के लिए बजरंग पूनिया के पास 11 जुलाई तक का समय है। इससे पहले 5 मई को भी नाडा की उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जब पिछली बार नाडा ने बजरंग को निलंबित किया था तो उनका निलंबन अनुशासनात्मक पैनल द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था। अब नाडा ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पूनिया को नोटिस भी जारी किया है। बिहार के मोतिहारी में गिरा पुल, राज्य में एक हफ्ते के अंदर ऐसी तीसरी घटना। बिहार में एक ही हफ्ते में तीसरा पुल गिरने की घटना सामने आई है। यहां अररिया और सिवान के बाद रविवार को मोतिहारी में भी निर्माणाधीन पुल गिर गया। यह घटना जिले के घोड़ासन प्रखंड क्षेत्र के अंबा से चैनपुर के रास्ते में बन रहे पुल की है। लगभग 1.5 करोड़ के लागत से इस पुल को धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के उरी में LOC के पास मिले 2 आतंकवादियों के शव, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अलवर के हिस्ट्री सीटर को पकड़ने पहुंची दिल्ली पुलिस में हमला, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। राजस्थान के अलवर के मन्नाका क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर महिलाओं और पुरुषों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस टीम पर पत्थर बरसा और बदमाश को पुलिस की गिरफ्त से छुटा लिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक व्यापारी को हत्या की धमकी देकर रंगदारी मांगने और कई जगह पर लूट की वारदात के मामले में आरोपी फिरोज खान को पकड़ने के लिए NEB थाना पुलिस मन्नाका गाँव पहुंची थी, जहां उन पर हमला किया गया। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हराया। घुटने की सर्जरी के लिए स्विट्जरलैंड से अमेरिका जाएंगे दलाई लामा। अर्बन नक्सल वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे को भेजा गया लीगल नोटिस। नोटिस में कहा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के लिए हर मुद्दे में राजनीति को घसीटना अनुचित है, खासकर जब महाराष्ट्र के लोग संकट से जूझ रहे हों। कृषि संकट और बढ़ती बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए नोटिस में शिंदे के दावे को बेतुका और अवैध बताया गया। नोटिस में कहा गया कि अगर शिंदे ऐसे किसी NGO के बारे में जानते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। 44 दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक यात्री पहुंचे गंगोत्री और यमुनोत्री, जबकि इन धामों में यात्रा की शुरुआती 44 दिनों के भीतर साल 2022 और 2023 में केवल 6 से 7 लाख तीर्थयात्री ही पहुंचे थे। देश में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के 72,750 रुपए और 22 कैरेट के लिए 66,640 रुपए बने हुए दाम। अमेरिका में शख्स ने नासा पर किया केस, स्पेस से घर के ऊपर गिरा था मलबा, लोफाम बोली कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में एक परिवार ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर $80,000 का केस कर दिया। दरअसल 8 मार्च 2021 को अंतरिक्ष से 700 ग्राम वजन के मलबे का एक टुकड़ा गिरकर उनके घर पर गिर गया, जिससे उनकी छत टूट गई। नासा ने कहा था कि ये मलबा इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों के कार्गो पैलेट का हिस्सा था, जिसे 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कचरे के रूप में छोड़ा गया था। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। कुलदीप बिश्नोई का बेटा चैतन्य बिश्नोई अमेरिका में खेलेगा क्रिकेट। LA नाइट राइडर्स से जुड़े 5 जुलाई से शुरू होगा टूर्नामेंट। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLC में खेलेंगे मैच। हिसार के नारनौंद में सालेनी की जीजा की पिटाई, घर से बाहर ले जाकर बियर की बोतल मारी, बहन से चल रहे विवाद पर भड़का बास। थाना पुलिस ने घायल के बयान पर दर्ज किया आरोपी का बयान।
हरियाणा बीजेपी का विधानसभा चुनावों का बिगुल आज रोहतक में जुटेंगे बड़े चेहरे। 22 जिलों के पदाधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री सीएम का होगा अभिनंदन। हरियाणा के 20 खिलाड़ियों को ओलंपिक कोटा। निशा धाइया और मनु भाकर समेत 13 महिला खिलाड़ी शामिल। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर खट्टर बोले, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट तय। गोहाना में बोले, जिसके हाथ में कमल की कली हो उसे खिलाना आपका काम है। हरियाणा में मर्सिडीज बसों की सवारी करेंगे यात्री। एसी नॉन एसी मिलाकर 1168 बसें खरीदेगी सैनी सरकार। रोडवेज में शामिल की जाएंगी। फरीदाबाद में दो पक्षों में चले लाठी और डंडे पत्थर। गली में भैंस बांधने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। यह थी अब तक की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात। जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।